नमस्कार मैं हूं फरहान और एसपीएन नाइन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है ममता बनर्जी आक्रामक रवैया अख्तियार कर रखा है धमकी मिलने के बाद भी लगातार प्रहार कर रही है पार्टी पर। हमने देखा बीते दिनों बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा था कि जिस तरह प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं उग्र होते जा रहे हैं यहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा और ममता बनर्जी शांत बैठ जाएंगी लेकिन ममता बनर्जी ने भी एक बात कही थी उससे एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि बस प्रदर्शनकारियों को एक चेतावनी दी थी कि प्रदर्शन हिंसात्मक ना हो और बाकी प्रदर्शन आप कितना भी करते रहें वह उनके पक्ष में रहेंगी उनका पक्ष उनके पक्ष में रहने का फैसला कर लिया था ममता बनर्जी ने लेकिन कही न कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी शायद ममता बनर्जी इस प्रदर्शन को रोकने की बात करें लेकिन आज जो ममता बनर्जी करने वाली हैं अम्बेडकर स्टैचू से लेकर जोरा साको ठाकुरबाड़ी पर खत्म करेंगी एक अपनी रैली को और वह रैली होगी नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्ताधारी दल के खिलाफ और प्रदर्शन को पूरा सपोर्ट कर रही हैं प्रदर्शन के पक्ष में खड़ी हैं और खुद भी प्रदर्शन में उतर आई हैं ज़मीन पर यह भारतीय इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं कि जब मुख्यमंत्री रोड में उतर रहे हैं सरकार की नीतियों से कम से कम एक नहीं दो नहीं कम से कम तेरह चौदह राज्य प्रभावित हो जाए और हर जगह विरोध होने लगे और खुद वह भी राज्य प्रभावित हो जाए जहां सत्ताधारी दल की सरकार है चाहे जैसे वो असम वहां खुद असम के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया उनकी सरकार बनाने में उनका सहयोग किया और लेकिन गाज गिरी तो असम पर गिरी अब जिस तरह ममता बनर्जी उतर आई हैं सड़कों पर सड़क पर सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी मनमोहन सिंह सभी दिग्गज नेता भारत बचाओ रैली के लिए रामलीला मैदान पर पहुंच गए दिल्ली में तो यह एक भारतीय संविधान के लिए बहुत ही दुखद पल है यह एक दुखद घटना है जो ऐतिहासिक घटना कहलाएगी एक दौरान पर जब भविष्य में इस घटना को याद किया जाएगा और इसकी निंदाएं की जाएंगी जिस तरह आपातकाल इंदिरा गांधी का आपातकाल याद किया जाता है वही स्थिति फिर आ गई है हिंदुस्तान में फिर एक आपातकाल का दौर है जहां देखा जाता है प्रदर्शनकारी आ रहे हैं इंटरनेट की सुविधा बंद की जाती है कर्फ्यू लगा दिया जाता है वन लागू कर दिया जाता है कोई बाहर दिखे नहीं वरना लाठी चार्ज कर दी जाएगी जेलों में डाल दिया जाएगा जिस तरह अभी हम देखेंगे अब उमर अब अब्द, फारूक अब्दुल्ला की भी तीन महीने की हिरासत फिर बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह हिरासतों को भी बढ़ा दिया जाएगा तो अब क्या ममता बनर्जी को जद में लिया जाएगा अब क्या ममता बनर्जी के राज्य में पश्चिम बंगाल में जहाँ वह शासन कर रही हैं इस दौरान वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा यह प्रदर्शन और कितना उग्र होने वाला है अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता लेकिन इसकी आग लगातार बढ़ रही है आसाम से शुरू हुई थी पश्चिम बंगाल पहुंच गई पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को घेर लिया उत्तर दिल्ली में आ गई उत्तर प्रदेश में भी आ गई ए में आरंभ हो गया ये तो यह आग अभी कितनी और फैलने वाली है और ममता बनर्जी को क्या जेल जाना पड़ेगा इस रैली के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह प्रदर्शनकारियों को जेलों में ठूस रही है जिस तरह उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला चाहे वह महबूबा मुफ्ती हो लगातार कश्मीर के जितने मेन स्ट्रीम नेता थे मुख्य के जितने भी नेता थे उन सबको जेल में डाल दिया तो क्या ममता बनर्जी को भी उसी तरह जेल में डाल दिया जाएगा और पूरा हिंदुस्तान फिर अब कश्मीर बन जाएगा सारे राज्य जेल बन जाएंगे वह अपनी जगह सीमित हो जाएंगे इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है अपनी राय हमें अवश्य दें और आपका लाइक भी महत्वपूर्ण है उससे हमें शक्ति प्रदान होगी और कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा जा� नमस्कार